हेलो फ्रेंड्स अगर आप क्लास एट में हैं और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेशनल साइंस ओलंपियाड एन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेसन पूरा देखिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि इस वीडियो लेसन में आपको मिलेगा क्लास एट साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट पर बेस्ड एन के पिछले दस सालों में पूछे गए लेवल वन के सभी क्वेश्चन के आंसर्स फुल डिटेल्ड एक्सप्लानशन के साथ आपको 2010 से 2019 के लेवल वन के सेट वन और सेट टू को मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लाइट चैप्टर से काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों पर अगर आप इन सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ जाते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइट से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स हर साल इस चैप्टर से तीन से चार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसलिए मेरी एडवाइस है कि इस चैप्टर पर पूरी मेहनत कीजिए और इस वीडियो लेसन में दिए गए प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर बच्चों आज के वीडियो लेसन में हम लोग एनएसओ 2010 से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एन एस से एन एस में क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सेट अवेलेबल है बच्चों इसमें एन एस में लाइट चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पूछा गया था जो है द फिगर शोज वाट हैपन्स टू अ रे ऑफ लाइट एज इट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस फिगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ सिंपली आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल गिवन है आप लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन को अच्छे से जानते हो यहाँ आपको वह स्टेटमेंट चुनना है जो लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है है ना तो यहाँ पर प्लेन मिरर हम देख रहे हैं पहला स्टेटमेंट है एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन है ना तो एंगल ए ओ एन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल बी ओ एन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ए ओ इज़ द इंसिडेंट रे ये भी रे डाइग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी कह रहा है ओ इज़ द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रे कैन बी रिफ्लेक्टेड ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों क्योंकि प्लेन मिरर पर हर पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो सकता है है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सिर्फ इससे मतलब है कि लाइट रे उस पर इंसिडेंट हो रही है कि नहीं लाइट रे अगर मिरर के किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो दैट मे बी अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना और वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है अगर इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा है ना तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी में हम लोग देखते हैं इफ़ बी ओ इज़ द इंसिडेंट रे देन ओ ए विल बी द रिफ्लेक्टेड रे कहने का मतलब है बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों क्योंकि अगर एंगल ऑफ़ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब यह भी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ़ इंसिडेंस। कहने का मतलब जिस पाथ पर रिफ्लेक्टेड रे लौट रही है अगर उसी पाथ पे हम एक इंसिडेंट रे को भेजते हैं तो वो क्या होगा उसके साथ जो पहले इंसिडेंट रे थी उसी पाथ पर वो रे जो है वो लौटेगी है ना कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे का पाथ को अगर हम पाथ ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं तो पाथ ऑफ इंसीडेंस जो था पहले वो पाथ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो दिस इज वेरी करेक्ट ऑप्शन ना ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है तो यहां पर जो सिंगल स्टेटमेंट है बच्चों जो कि इनकरेक्ट है वो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी है ओके तो आज के वीडियो लेसन में हम लोगों ने एन एस ओ टू थाउजेंड टेन से पूछे गए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने अगले वीडियो लेसन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एन एस ओ टू थाउजेंड इलेवन से पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो लाइट चैप्टर से पूछे गए हैं ओके तो बने रहिए अपने चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में जहां हम लोग सॉल्व करेंगे एन एस ओ से पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो लाइट चैप्टर से पूछे गए हैं